टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, यूपीएससी, यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए और सेम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर के साथ जो भी है वो अपने सब्जेक्ट में उससे बेस्ट इंडिया में कोई नहीं। और इतना के बावजूद ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। ओ तो हम लोग को लगता है कि जितना ये तकलीफ इससे कई गुना जाते हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि वो भी ना ले। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे। क्या बात। और अर्चना जी, मैं इनके बारे में एक बात, खान सर आपके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इनका जो स्टार्टअप है ये बूटस्ट्रैप्ड है। अच्छा। मैं साधारण भाषा में बता देता हूँ, ये सेल्फ फंडेड है। इन्होंने अभी तक किसी और से पैसा नहीं लिया है, ये इन्वेस्टर के पैसे से नहीं, इन्होंने खुद इसको बिल्ड किया है। और बल्कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप है ये कि मैं कहूंगा कि अगर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना हो तो मैं इंडोर्स करता हूँ ऐसे स्टार्टअप्स को। यही सब चीजों को देखते हुए कई लोगों ने धमकी भी दिया था वहां पर। अच्छा। और उसके बाद बम चला दिए और 7-8 बम चला दिए और कुछ ब्लास्ट हुआ। एक बेचारा नया नया लड़का आया था एडमिशन लेने के लिए, उसकी स्कूटी उड़ा दिया। वो आया था कहा कि सर हम तो पढ़ने आए थे, हमारा स्कूटी उड़ गया, तुम्हारी ऑफिस उड़ा दिया सब। एक तो पास में आके गिरा। हाँ। और नहीं फटा वो। बाद में बहुत सारे लोग धमकी आ दिए, लेकिन कहते हैं ना सूरज कितना भी तेज चमक ले समंदर नहीं सुखा सकता। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैम एक्चुअली ये फीस कम करने का एक और रीजन है। 2.5 लाख 3 लाख की जो फीस में सब लोग पढ़ाई एफोर्ड नहीं कर पाते। हाँ। इसलिए वो कुछ ही लोग एफोर्ड कर पाते हैं, तो उनका मेंटल लेवल तो बहुत ऊपर चला जाता है। हाँ। लेकिन एक पूरे देश का मेंटल लेवल थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो पाता। तो जब फीस कम रहेगी तो हर वो लड़का तैयारी करने के लिए आगे आएगा जिसका सपना है देश के लिए कुछ करने का। सीटें लिमिटेड है, उन्हें को मिलेगी, लेकिन जिन्हें नहीं मिलेगी उसे मिलेगा देश का एक जिम्मेदार नागरिक। तो इस देश को बताओ, हम लोग विश्व गुरु कहे जाते थे। क्यों? क्योंकि दुनिया से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आए थे। चाइना से हैंसांग आया, फायान आया। हाँ। आज कोई नहीं आता है। हाँ। हम लोग का उद्देश्य एक समय आएगा जो फिर आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए। क्या बात है। पर आप देखो अर्चना जी, सबसे ज्यादा आईपीएस आईएएस बिहार से निकलते हैं। आप देखो पढ़ाई लिखाई में पॉलिटिशियन बहुत बड़े बड़े निकले हैं। ऐसा नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है वहाँ पे, इंडस्ट्री नहीं है, खेती करेगा तो कोई खास वो नहीं रहे, ऑप्शन भी नहीं है। सही बात है। बिहार की मिट्टी में एक चीज है, जिद तो बहुत जबरदस्त है। कुछ भी नहीं रहेगा तो सब कुछ पाने का उसको जिद रहेगा, करके भी दिखा देगा वहां पे, कर देंगे हम यहां पे। विवेक सर आपके बारे में हमने सुना, एक बार आप संन्यास लेने चले गए थे। कौन वापस लेके आया आपको? फिर कहां तक पहुंच गए थे आप? नहीं, मैं एमबीए की पढ़ाई के बाद मैं ये सोचा था कि अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दूं। अच्छा। बहुत साल मैं वृंदावन में रहा था और गुरुकुल में रहा था। अच्छा। और वहां सेवा करना, बहुत अच्छी शिक्षा मिली। मैं बोलता हूँ मेरी असली एमबीए वही थी, मोस्ट ब्यूटीफुल एसोसिएशन। और मैं वहाँ भगवद गीता पढ़ी, जहाँ मुझे गीता से लगाव हुआ। तो मेरे गुरुजी का आदेश था कि आप भगवद गीता को बिजनेस मैनेजमेंट के साथ जोड़ के देश दुनिया में बताओ। मेरे को लगा बड़ा मुश्किल काम है। मैंने बाद में देखा कि डॉक्टर स्टीफन कोवी, जिनकी किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, आप सबने पढ़ी होगी, उन्होंने बोला मैंने 7 हैबिट भगवद गीता से लिए। और हमारे देश के लोग ऐसे हैं जो मेरी किताब पढ़ते हैं, जो कि 3.5 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं, और भारत में भगवत गीता नहीं पढ़ते। तो मुझे लगा कि मैं गीता विद मैनेजमेंट के ऊपर आकर के बातचीत करूं, मुझे लगा बहुत कठिन होगा। पर मेरे गुरुजी का आदेश था कि कठिनाई आपको तभी तक दिखेगी जब कठिनाई को देखोगे। तो एक छोटा उन्होंने मुझे बताया, पूछा कि इस कमरे में लाल रंग कितनी जगह है, देखो आप भी एक बार जरा देख के बताओ। 7-8 जगह लाल रंग दिख रहा है यहाँ पे आपको, 1-2 वो लाल रंग टी शर्ट पे, 3-4-5 ये लाल हो गया, 6 उधर लाल हो गया, 7 एप्पल लाल, बिल्कुल ठीक। पर जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको हरा रंग दिख रहा था? यस नो? नहीं। जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको काला रंग दिख रहा था? यस नो? नहीं। नो।
जिंदगी भी ऐसी है, जो ढूंढोगे वही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप किसी सोल्यूशन पे फोकस करो और गीता के मैसेज को पहुंचाओ। तो मैं बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स कॉर्पोरेट्स में करने शुरू किए, क्योंकि गीता पहला मोटिवेशनल सेमिनार जो पृथ्वी के इतिहास में कपिल जी हुआ वो कृष्ण ने दिया था। पहले मोटिवेशनल स्पीकर इस पृथ्वी के इतिहास के कृष्ण थे, जिन्होंने अर्जुन को रणभूमि में मोटिवेट किया था। बड़ी पेशेंस कृष्ण ने अपने लीडरशिप क्वालिटी से दिखाई, वो मुझसे मुझे बड़ा इंस्पायर किया, वो चर्चा ने इंस्पायर किया और डिस्कशन ने इंस्पायर किया। तो डिस्कशन को मैं आज भी लेके चलता हूं अपने साथ। खान सर, हमने सुना है आप 5 स्टार में रुके थे कल और नीचे जाके वड़ा पाव खाने गए आप रेहड़ी पे। एक्चुअली क्या है ना कि वहां जो चीजें सीखने को मिलती है ना, खाली पेट और खाली जेब इंसान को जो सिखाते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता एक्चुअली। और गरीबी बड़ा बेशरम चीज होती है। तो कहते हैं कि मौत भी तू जल्दी आया कर गरीब के घर में, कफन का पैसा भी खर्च होता है दवाइयां खरीदते खरीदते। हाय हाय हाय, क्या बात है। और खान सर की खासियत ये है कि जिसको तो पढ़ना है, जिसको एजुकेशन चाहिए, वो तो इनका वीडियो देखते हैं, लेकिन वैसे भी कई लोग, जैसे अर्चना जी बात करी थी, कहती मैंने जब देखना शुरू किया तो मैंने बैक टू बैक इतने सारे वीडियोस देखे, क्योंकि आपका जो तरीका जो बोलने में, एक तो इनकी जो टोन है पढ़ाने में और साथ साथ में जो ह्यूमर आता रहता है, तो उसकी वजह से और भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं आपके वीडियो। शुरुआत में हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे, या हम कई स्टूडेंट को भी देखते हैं, वो बेचारे जब थक जाते हैं तो आपका शो देखने लगते हैं। तो शुरू शुरू में हमको लगता था जब कि अरे हमारे पढ़ाई उसके लिए है, लेकिन पढ़ाई में थक जाता है, शो देख के नहीं थक जाता है। तो हमने सोचा दोनों को मिक्स कर देते हैं। अच्छा। तो हमने उसको, और आज आपको पता नहीं हमने भी यही किया है। मिक्स करने, हमारे एजुकेशन सिस्टम में दो कमी है, एक एजुकेशन की, दूसरा सिस्टम की। आप पटना से है ना? हाँ। हमें भी पटना पसंद है। हाँ। बस कोई पटाने वाला चाहिए। नहीं, मजाक नहीं कर रहा है। आपका जो चैनल है, हम दिन में 10 बार आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दिन में 10? अरे हाँ, और बेल आइकन तो हम इतना जोर से दबाते हैं कि बाकी यूट्यूब वाले बाहर निकल के देखते हैं कि ये कौन है जिसने इनका चैनल इतना जोर से दबा दिया बेल आइकन। बुढ़िया, तुझे शर्म नहीं आती है? आते ही फ्लड शुरू कर दिया ना तूने। तो जाते हुए करते हैं क्या? विवेक जी नमस्ते। आपसे एक काम था, छोटा सा कर देंगे आप? ये क्यों करेंगे? नहीं गुरु जी, हमेशा आपने वीडियो में कहते हैं कि विवेक से काम लो, विवेक से काम लो। विवेक मतलब दिमाग से काम लो आप। हाँ, तो विवेक जी अपने दिमाग से ही काम लेंगे, बहुत दिमाग है उनके पास। ये देखिए, जो आदमी आपको मैं बताइए, जो आदमी बिना फिल्म किए कपिल शर्मा शो में आ गया, कितना दिमाग होगा उसके पास। लेकिन एक बात है जिसकी वजह से मैं तीनों से नाराज हूँ। क्यों, क्या बात? हर चीज में मोटिवेट 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 क्या होता है? सच कह रहा है, जब भी ये शब्द सुनते हैं हमें लगता है कोई हमें चिढ़ा रहा है। बदल दीजिए ना, खाली मोटिवेट बोलना ही क्यों जरूरी है, कुछ और कीजिए। रोटी वेट, छोटी वेट, पतली वेट, कुछ भी बोलिए, मोटिवेट हटाइए। तो गुड़िया तू भी एक्सरसाइज किया कर ना, देख डॉक्टर साहब ने कितना वजन कम किया है, तू भी कर ले। ठीक है, फिर मोटिवेट से ही चला लेंगे। लेकिन मोटिवेशन कोई बुरा बात नहीं है, हमारे दादाजी भी वैसे बहुत मोटिवेट करते थे। हाँ, एक बार तो तालाब में डूब रहे थे हमारे दादाजी। हाँ। हमारे पास रस्सी भी था, ट्यूब भी था, फिर भी हम अपने दादाजी को बचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमने उनकी ओर तिनका फेंका ना, वही कहते थे डूबते को तिनका का सहारा काफी। नहीं लगा सहारा दादाजी, बुड़बुड़ बुड़बुड़ बुड़बुड़। गुड़िया तो क्या करने आई इधर? अरे हाँ, हम क्या करने आए हैं, पूछना था सर खान सर, ये जो हमारा एक चाचा का लड़का है, उसको क्या है, थोड़ा पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रहा है, तो 12वीं का पढ़ाई आप उसको अच्छी तरह करवा के, 12वीं पास करवा देंगे आप? करवा देंगे, वेरी गुड, बात कर लेते हैं। हाँ, राम सरोवर, देखो हमारा बात हो गया है, ये 10वीं जो तुमसे नहीं दिया जा रहा है वो नहीं देना है। टेंशन नहीं है, 10वीं का खान सर से बात हुआ, ये सीधा 12वीं पढ़ा के पास कर देंगे। अरे ऐसे नहीं होता, पहले 10वीं पास करनी पड़ेगी, फिर 12वीं होगी ना।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है ये सीक्वेंस। हमारे मौसा जी थे, उनसे ना दसवीं हुई ना बारहवीं हुई, अभी तीन दिन पहले सीधा उनकी तेरहवीं हुई। एक्चुअली क्या है, पढ़ाई लिखाई का हमको बहुत ज्यादा नॉलेज है नहीं, गांव में पढ़े हैं ना सर, स्कूल कहाँ होते थे अर्चना जी, गांव में स्कूल नहीं था, पेड़ के नीचे पढ़ते थे हम, यहाँ तक कि हमारे पास ब्लैक बोर्ड भी नहीं था, हमारे मोहल्ले की जो भैंसिया थी उसको खड़ा करके टीचर उसके ऊपर लिख के पढ़ाती थी, मजाक नहीं कर रहे हैं। और आप तो समझ रहे हैं, अभी ब्लैक बोर्ड की एक अटैच डस्टर था ब्लैक बोर्ड का, समझ रहे हैं, ऐसा वो पीछे से आता था, लिखा हुआ मिटाता था और चला जाता था। ये तो कुछ भी नहीं है, एक बार क्या हुआ, हमारा स्कूल शुरू हुआ, शुरू होते ही दो महीने के लिए छुट्टियां हो गई, क्यों, ब्लैक बोर्ड ने बछड़ा दिया था ना। तो वैसे आप लोग ना इतने ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछे। एक बार ना चार दोस्त थे, चार दोस्त, साम दाम दंड भेद, वो डिसाइड करते हैं कि चलो एक गेम खेलते हैं, तो टीम्स बनाते हैं, तो साम दाम ने एक टीम बनाया, इस पे भेद को बहुत गुस्सा आया, पता है क्यों, क्यों, क्योंकि भेद को दंड मिला ना। ये सिर्फ हस्ती नहीं है सर, थोड़ा सा पेट्रोल पिला दो स्टार्ट भी हो जाती है। इतना है कि और भी बता दीजिए, जब हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास नहीं मैकेनिक के पास जाते हैं, और डिटेल दे दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये बोलते हैं खाली, लेकिन अभी एक रिक्वेस्ट था सर, हमारा एक भाई है पुरुषोत्तम नाम है उसका, वो गांव से आया हुआ है, आप लोग थोड़ा उससे सब बातचीत करेंगे, थोड़ा उसको प्रोत्साहन देंगे। और शर्मा जी आपसे भी एक रिक्वेस्ट था, आपसे हमने कभी कुछ मांगा नहीं है, पुरुषोत्तम आएगा ना एक बार बस उससे कह दीजिएगा, पुरुषोत्तम तुम कितने हैंडसम हो, मैंने देखा ही नहीं अभी तक, तो देख के बस बोल दीजिएगा तुम कितने हैंडसम हो, ऐसा बोल दीजिएगा प्लीज, ठीक है, हम बुला लेते हैं पुरुषोत्तम। बात तेरा भाई बड़ा हैंडसम है, है। तो हमारे खानदान में सब हैंडसम है, ज्यादा चापलूसी करने का जरूरत नहीं है। देखा हमारा यहाँ पे कितना चलता है, एक नंबर दीदी, एक नंबर, सब लोग हैं, नमस्ते कर दो। ये बड़ा अच्छा लड़का है, गांव में ना भैंस चराता है, इसको थोड़ा मोटिवेट कीजिए ना। नहीं तो मतलब भैंस चराता है तो मोटिवेट करके क्या होगा, शेर चराएगा बाद में। अरे शेर चराएगा तो शेर इसको चर नहीं जाएगा। नहीं नहीं ऐसे हम खाली कह रहे हैं, तुम्हारा चेहरा थोड़ा बकरी जैसा है ना, तो वैसे ये सब बड़े बड़े लोग हैं, इनको बताओ कहाँ क्या बनना चाहते हो जीवन में आगे। एचआर। एचआर, अरे वाह, देखे कोई बड़ा कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स का काम करेगा ये। अरे एचआर मतलब दीदी ऋतिक रोशन, दिनी दिन दिन दिनी दिन दिन। ना जूता पहनने का काम किया करो, जूता खाने का नहीं। काम किया है, कुछ बड़ा किया है लाइफ में। किया ना दीदी, एक बकरी के बच्चे को बड़ा किया है। जिराफ बना दिया बकरी के बच्चे को, अरे कुछ अलग किया है। हाँ दीदी अलग किया है, वही बकरी का बच्चा भैंस का दूध पीने जा रहा, तो हमने उसको अलग किया है। इससे नहीं होगा, मैं रहने दो, इधर आओ, ये देखो इतना बड़ा बड़ा लोग बैठा है, इनके सामने ऐसा बातें करोगे, इनसे मिलो इनसे मिलो। ए विवेक जी तो कितना मार्केट के बारे में भी जानते हैं, मार्केट का कोई सवाल पूछो इनसे। सर परसों जो है मार्केट में हमारी साइकिल गायब हो गई, आपने देखा है क्या? हमारी साइकिल गायब हुई ना, इसलिए दिमाग से पैदल हो तुम, पैदल समझते हो। चल लोगे 20 कदम चलोगे? हाँ घूमो जरा, अभी 20 कदम चल के दिखाओ, निकला।